बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मौज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल डिज़ाइन हाउस। तो कोरल डिज़ाइन हाउस में आज हम करेंगे कि वेक्टर जो होते हैं उसका बैकग्राउंड कैसे, किस तरह से रिमूव किया जाता है बिट मैप करके। तो वो आपको इंशाल्लाह उसके थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो अब तक पूरी पहचानने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है। तो एक बार दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाए तो आप दुरूद शरीफ जो है वो ज़िंदगी में आपने कभी नहीं छोड़ना। तो आपकी ज़िंदगी में आप खुद खुद चेंज देखेंगे कैसे चेंज आता है। तो अब हम पिक्चरें वेक्टर जो है पिक्चरें किस तरह से अलग करते हैं उसकी चलते हैं देखते हैं। हम चलेंगे सीधा अपने गूगल क्रोम में। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है एक, ये वाली ओपन करते हैं इसको। ये पिक्चर ये ओपन हो गई है पूरी। इसमें अगर ये वाली हमको चाहिए इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम फिर आ जाएंगे यहाँ से, हम करेंगे कंट्रोल वी। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से उनके पेस्ट कर दी हमने। शिफ्ट के साथ दबा के छोटा करेंगे इसको, फिर यहाँ से शिफ्ट दबा के इस तरह से छोटा करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी पिक्चर अच्छे से हम निकाल सकते हैं, बैकग्राउंड इनका रिमूव होता है या नहीं होता। उसके लिए हमने कोई सिलेक्ट किया, यहाँ से आएंगे बिट मैप करेंगे ट्रैक एंड हाई क्वालिटी इमेज में ओके कर देंगे। ये हमने ओके कर दिया, यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब ये हमारी दो हो गई। ये वाली जो ये हम ये देखिए अनग्रुप नहीं होगी ये पहले की, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये वाली जो ये हम रखेंगे ये सही हो गया। इसके नीचे हम बैकग्राउंड कुछ दे देंगे बड़ा इस तरह से, और इसको कलर कर देंगे येलो। शिफ्ट पेज अप करेंगे और ये ऊपर आ जाएगी। हम नीचे चले ये शिफ्ट दबा के अपने पेज अप करना। तो जो भी आपका वर्क प्रोसीजर वो आपका पेज के नीचे होगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर होगा तो नीचे भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया पेज डाउन तो ये नीचे हो गया, पेज अप तो ये ऊपर हो गया, सही हो गया। इस तरह से आप ये ना हो कि आप ऊपर इस तरह से लेकर आए और आप टेंशन में आ जाएंगे हमारा वो जो हमने लेकर आए थे वो किधर गया है भी हो गया। तो टेंशन नहीं लेने, इस तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसको आपने करना सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखेंगे ये हो जाएगा अनग्रुप, ये ठीक हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करें, डिलीट कर देंगे ये चीज़। जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर में थोड़ा सा वर्किंग आपको करना पड़ेगा, जैसे इसको पकड़ेंगे डिलीट कर दिया, इसको पकड़ा डिलीट कर दिया, इसको पकड़ा डिलीट कर दिया, ये देखें इस तरह से ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्टली मिल गया। इसी तरह ये वाला है, इसको भी हम यहाँ से करेंगे जूम आउट। जूम आउट किया और ये वाइट वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो ये बाकी काम हमारे पास जो रह गया बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये इस तरह से आप वेक्टर निकाल कर उसके ज़रिए ये डिज़ाइन आपकी काफ़ी हद तक मदद ले सकते हैं इसके ज़रिए। इसको हम डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और करेंगे डिलीट, ये देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है क्योंकि किसी ना किसी में फ़र्क आता है, जिसमें फ़र्क आए तो उसमें फिर ये है कि आप कोई सर्च मार के कोई दूसरा वेक्टर देख सकते हैं, नहीं तो पर आप उसी की तरह की कापी छापी करके उसको आप बना सकते हैं। ये देखा हमने काला कलर दिया और उसी तरह उसको भी दिया, तो ये थोड़ा बहुत आप इसमें रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया लेफ़्ट राइट दोनों तरफ, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ी
कमी जो होती है वो मैनुअली अपने हाथ से भी पूरी कर सकते हैं। ये नहीं कि ये यदि ज़्यादा हो कमी उसके लिए होता है। ये देखिए हमने डिलीट कर दिया, ये अंदर का भी डिलीट कर दिया, ये वाला वाइट था ये भी अंदर का डिलीट कर दिया। तो ये अगर आप ये ब्लैक भी करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बस यही बाकी रहेगा, नहीं तो ये आप रहना चाहें रखना चाहें तो रख लें। तो ये भाई हमारा हो गया काम तमाम। ये वाला भी हम डिलीट कर देंगे, ये हमको चाहिए नहीं। तो ये जेड दबाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं हमारे और ऑब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे, इसको भी दबाएंगे कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे, इसको भी दबाएंगे कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे, क्योंकि ये सेपरेट है इसको भी कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे। ये अब इसको बैकग्राउंड पर हटा देंगे और अब इनको पूरे को सिलेक्ट करके इनका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से भी आप अपने वेक्टर काम के लिए अपने वर्क के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिस तरह से हमने लिए करें, ठीक हो गया। तो हम दोबारा चलते हैं अपने इसमें और कुछ और भी आपको इस तरह के कुछ पिक्चरें लेकर दिखा देते हैं। गेमिंग लोगो क्रिएटर है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे वेक्टर इसके आ जाने के, देख सकते हैं। तो ये कुछ आ गया। अच्छा एक और तरीका भी है, एक वेबसाइट है उसका नाम है यंदेक्स, Y-A-N-D यंदेक्स में सर्च, इसमें सर्च मारेंगे एक वेबसाइट आपकी ऊपर हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ से नहीं हुई तो आपने लिखना यंदेक्स, यंदेक्स डॉट कॉम। सर्च वाले नीचे वाले जो ये इसमें सर्च मारना, ये वेबसाइट ओपन होगा, सही हो गया इस तरह से। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम कोई इमेज लेते हैं जैसे फूड स्टाफ है, FFF एंटर करते हैं, आपको यहाँ से HD इमेज मिलेगी। हम अगर आप काम के लिए कुछ इमेज वगैरह लेना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये ठीक हो गया। तो अब इनका भी बैकग्राउंड रिमूव करने के दो तीन तरीके हैं, वो भी आपको मैं अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे ये है हमारे पास पिक्चर स्क्रीन, इनका HD होता है, ये हमारे पास ओपन होगी, इसको आप करेंगे कॉपी। कॉपी करने पर सीधा अपने कोरल में आ रहे, यहाँ में आपने करना कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पे, तो पेस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं फुल HD है, साइज इसका यहाँ से काम कर लेंगे 5 एंड यहाँ पे भी आप 5 एंटर करेंगे। ये
और हम ये वाला बैकग्राउंड जो है ना डबल क्लिक करके पीछे बैकग्राउंड दे देते हैं कुछ ब्लैक, तो ये इसका बैकग्राउंड नज़र आएगा भी आपको। अब हमको ये बैकग्राउंड हटाना ये पीछे वाला ना, बाकी ये पिक्चर का हमको चाहिए, तो वो कैसे हटाएंगे उसको? पहले तो हमें एक तरीका ये है बिटमैप करेंगे, अगर इसको आप बिटमैप करेंगे ना तो इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ रिजल्ट जो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसका भी एक दूसरा तरीका है और इसके तीनों तरीके मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तीसरा तरीका सबसे अच्छा है, वो यूजफुल तरीका, ठीक हो गया। ये आपको वैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप जो कुछ वेक्टर होते हैं वो इसमें आप बिटमैप कर सकते हैं, लोगो हो गया, वेक्टर हो गया, इस तरह की इमेजेस जो होंगी वो वेक्टर नहीं होगी, वो सॉरी बिटमैप नहीं होगी। ऐसे ये बिटमैप हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, हम ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो बिटमैप ये वाला हम कर देंगे जैसे डिलीट, तो ये हमारा बिटमैप हुआ भाई, ये इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक हो गया। जब आप इसको अनग्रुप करेंगे आप तो फिर आप देखो ये, जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से रिजल्ट होगा। जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार रिजल्ट आता है अगर आप इसको बिटमैप करेंगे। ये इस तरह के लोगों को बिटमैप करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। तो इसको हम वापस करेंगे, अंडू कंट्रोल माइनस कंट्रोल जेड जेड फिर जेड फिर जेड फिर जेड, ये वही मॉल अभी दो इस तरीके से। तो बिटमैप वाले से ये तरीका सही नहीं है इमेज के लिए, अभी एक दूसरा तरीका है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर को हमने किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा बिटमैप कलर मास्क, इसको आपने ओके कर देना। ये आप देख सकते हैं इधर आपको कुछ शो हो रहा है, ये लाइन वगैरह और ये कलर वगैरह। अब हमने क्या करना है इसको, अब हमने करना भाई ये वाली चीज़ ना, इसको हम करना सेलेक्ट, ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने आ जाना। ये जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे वो पट्टी के ऊपर कलर वाइट हो गया, ये देखें ये देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे छोड़ दें, पट्टी का कलर चेंज होता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे ओके, ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना, इसको इस तरह से आप 11 करके यहाँ पे करेंगे अप्लाई, तो ये आप देख सकते हैं उसने कुछ ना कुछ बैकग्राउंड को यानी कि हाइड कर दिया, ये देख सकते हैं जो हमने पहले किया था उससे काफ़ी बेहतर बिटमैप से, ये ठीक हो गया। हम इसको 3 पे रखते हैं, ये आप देख सकते हैं 2 पे मैनुअली भी आप कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं ये। तो ये कुछ इस तरह से फिर इसका रिजल्ट आएगा, ये करने के साथ ये देख सकते हैं। तो जो कि वो पहली वाली इमेज से काफ़ी रिजल्ट बेहतर है, ये जूम आउट करके आप दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। जेड दबाएंगे और माइनस करेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 45 करके ओके कर दें तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको तकरीबन आप जितना हिसाब से कम रखेंगे उस हिसाब से इसका रिजल्ट ठीक होगा। अभी आप देखें जूम मोड करके मैं आपको दिखा दें, ये देखते ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से कुछ इस तरह से ये आपका बैकग्राउंड जो है ना हो जाएगा हाइड, ये तो एक तरीका हो गया। ये अभी एक और तरीका है, इसको हम करेंगे इस तरह ही रहने देगा, एक अभी और तरीका हम चलते हैं फिर अपने उसी में, और इमेज को थोड़ा सा इधर करते हैं उठा के। वो तरीका क्या है, वो तरीका है दूसरी विंडो, यहाँ पे आपने लिखना है आर ई एम रिमूवर बैकग्राउंड, आर ई एम ओ वी ई आर रिमूवर बैकग्राउंड, ये आगे नीचे इस पर आपने ओके कर देना,
ओके करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे मोर बैकग्राउंड रिमोट में ये पहले वाला भी आपने ओके कर देना, ठीक होगा। तो आपका यहाँ पे ये रिमोवर बैकग्राउंड का ऑप्शन जो है ना वो हो जाएगा ओपन, ठीक हो गया। अब जो हमने वहाँ से जो पिक्चर ली थी वहाँ यहाँ से हम इसको करेंगे कंट्रोल वी। ये जैसे पिक्चर थी तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने उसी जगह पे और पिक्चर वही वाली उठा लेते हैं यही वाली। यहाँ से हमने की कॉपी और ऊपर हम आ जाएंगे अपने उसी विंडो में और मोर बैकग्राउंड वाली जी। और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल वी, यहाँ हमारी पिक्चर होगी पेस्ट होने के बाद अभी उसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव होना शुरू हो गया। जी आप देख सकते हैं उसका बैकग्राउंड बिल्कुल जो है ना रिमूव हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से ऐसे ही इसको कॉपी करके लेके जा सकते हैं तो चेक कर लेते हैं। हम कॉपी की हम यहाँ से आगे कंट्रोल वी पेस्ट किया तो ये नीचे इसका वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है कि हम पहले इसको सेव करेंगे फिर वो नज़र नहीं आएगा। हम दोबारा जाते हैं अपने उसी विंडो में और ये आ गया। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको करना पहले सेव। सेव करने के बाद आपको विंडो का ऑप्शन देगा जहाँ भी दिल जाए यहाँ आप सेव कर दें। यहाँ सेव होगी, यहाँ से हम ओपन करेंगे फ़ोटो। ये हमारी फ़ोटो ओपन होगी। यहाँ पर आपने करनी है कापी, कापी की फिर आपने यहाँ पर आना और करना कंट्रोल। तो ये आप देख सकते हैं भाई क्या रिजल्ट है। ये तरीका है सबसे क्लियरिटी वाली मूवी। अभी इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम किस तरह से कौन सी पिक्चर कैसे बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं सारा कुछ। अभी इसका वेक्टर का हमने कैसे किया वो भी आपको पता चल गया, इसका दूसरा तरीका, इसका तीसरा तरीका, सही हो गया। तो ये था ये तरीका भाई, तरीकाकार इमेजेस का चेंज करना, बैकग्राउंड रिमूव करना वगैरह स्टिकर में इसका बहुत ज़रूरत पड़ती है बगैर बैकग्राउंड के इमेजेस की। इस तरह से आप इसका सहारा ले सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट होती हैं उनके ज़रिए आप अपना ये काम कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ, सही हो गया। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो है ना पसंद आई होगी। पसंद आए तो आपने इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी मार देना, ठीक हो गया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लास्ट में आपने एक बार दूसरे जरूर पढ़ लेना, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी आखिर दोनों सवर जाए तो फिर आप दुरूद शरीफ नहीं छोड़िए, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। फिर आप देखें कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मौजे करता है और कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।